गाइस हमारे GTA 5 में दो सेंटा क्लॉज रहते हैं, एक तो है हम सबके फेवरेट गुड सेंटा क्लॉज और दूसरे हैं एविल सेंटा क्लॉज। और एविल सेंटा को कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता है क्योंकि वो हर समय सबको परेशान करते रहते हैं। इसलिए इस क्रिसमस पर जब गुड सेंटा हम बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जाने वाले थे, तब एविल सेंटा ने धोखे से उन्हें मारकर बेहोश कर दिया और उनके सारे गिफ्ट्स को GTA 5 की दुनिया में अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। इसके बाद अब सेंटा क्लॉज हमारे पास आए हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर हमने उनके गिफ्ट्स नहीं ढूंढे तो सब बच्चों का क्रिसमस बेकार हो जाएगा और ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और लास्ट में अगर हमने सेंटा के सारे गिफ्ट ढूंढ दिए तो सेंटा क्लॉज हमें काफी सरप्राइजिंग गिफ्ट भी देने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि हम सेंटा क्लॉज के सारे गिफ्ट्स को ढूंढ दें तो आपको इसमें हमारी हेल्प करनी होगी और हेल्प ये होगी कि आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ में लाइक भी कर देना और आप सबको मैरी क्रिसमस। तो गाइस अभी हम ट्रैकर की हेल्प से यार पहाड़ियों पर आ तो गए हैं, लेकिन मुझे लोकेशन तो यही की मिली थी यार, हमें यहाँ पर कोई गाड़ी दिख क्यों नहीं रही है। एक मिनट में यार अच्छी तरीके से देख लेता हूँ चारों तरफ, उधर तो नहीं है ना? नहीं यार, उन पत्थरों के पीछे तो नहीं है, अभी हम उधर से ही आए हैं। लेकिन यार ऊपर तो रास्ता बंद है। अरे ये क्या है? एक मिनट गाइस, मुझे लग रहा है कि कुछ दिखा है आई थिंक। अरे ये देखो गाइस, हमें सेंटा की फर्स्ट गाड़ी मिल चुकी है। ओ भाई कितनी मस्त कार किसी को मिलने वाली थी यार, ये देखो, और क्रिसमस की कैप भी है भाई, सच में यार क्या मस्त गाड़ी है। अरे यार सेंटा किसी को देखो यार कितनी मस्त गाड़ी देने वाला था। वैसे मैं इसे काफी संभाल कर यहाँ पर चला रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार किसी का गिफ्ट खराब हो, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी भी ठुक गई ना ये वाली कार तो इसमें काफी ज्यादा डैमेज आ सकता है। ये देखो यार थोड़ी सी रेस देते यार, ये कितनी तेज दौड़ रही है और ये एक रेसिंग कार है। एंड गाइस यार आप ये तो बताओ कि आप इस वाले क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज से अपने लिए क्या गिफ्ट मांगना चाहते हो। और हाँ यार, जो भी कमेंट करके बताएगा ना कि उसे सेंटा क्लॉज से क्या चाहिए, देखना सेंटा क्लॉज उसे जरूर वो चीज देने के लिए आएंगे। तो जल्दी से यार कमेंट कर दो और लिख कर बताओ कि आपको इस क्रिसमस पर क्या फेवरेट चीज चाहिए। सो ऑल राइट गाइज, अभी हम यार सेंटा की सेकंड गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गाइज हमने पीछे वाली पार्किंग में भी देख लिया है और अभी यहाँ पर आगे एक और पार्किंग है। एक मिनट यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। नहीं यार, हमें यहाँ पर सेंटा क्लॉज की कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है भाई। यार पता नहीं सेंटा क्लॉज की सेकंड वाली गाड़ी कहाँ पर है। और गाइज ये पता है आपको, उस गाड़ी की जो ट्रैकिंग लोकेशन है ना, वो हमें यहाँ पर बीच के आसपास दिखा रही है, तो हमें बीच को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना होगा। और देखो भाई आज यार कितनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है भाई, आज का दिन तो काफी ज्यादा ही ठंडा है, तो इसलिए मैंने आज यार जैकेट वगैरह डाल रखी है। वैसे गाइज आप मुझे ये बताओ कि आपको फ्रैंकलिन के ये वाले कपड़े कैसे लग रहे हैं? मुझे तो यार काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। अरे एक मिनट गाइज, मुझे पानी में कुछ हल्का हल्का कुछ दिख रहा है। एक मिनट, मैं एक बार पास जाकर देखता हूँ, हमें वहां पर यार कुछ दिख रहा है। अरे भाई यार पानी भी काफी ज्यादा ठंडा, भाई मैं पानी के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। तो गाइज हमें सेंटा ने यार एक गैजेट दिया था, उसकी मदद से हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर वहां पर क्या है। एक मिनट में वो गैजेट निकाल लेता हूँ। तो भाई लोग ये देखो, मैंने ये वाला गैजेट निकाल लिया है। वैसे आपको ये एक गन दिख रही होगी, लेकिन ये एक नॉर्मल गन नहीं है, ये एक ग्रेविटी गन है। रुको मैं इसका कमाल दिखाता हूं आपको। वो देखो वहां पर है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा डार्क दिख रहा है, अभी देखना। और भाई साहब ये देखो, हमें सेंटा की सेकंड वाली गाड़ी मिल चुकी है। और गाइस ये देखो, इस गन की मदद से हमें पानी के अंदर भी नहीं जाना पड़ा और हमने कितनी इजीली इस वाली गाड़ी को बाहर निकाल लिया। अरे भाई यार वहां पर यार वो गाड़ी टूट तो नहीं गई होगी ना? एक मिनट गाइस, मैंने उसे बाहर तो निकाल लिया, इधर लेकर आते हैं उसे यहाँ पर। अरे भाई यार उसके गेट टूट चुके भाई। अरे शिट यार गाइस, ये देखो हमने सेंटा की इस वाली गाड़ी को यार तोड़ दिया है। अरे भाई यार अभी हमें इसे रिपेयर करवाना होगा। तो चलो गाइस इसे जल्दी से मैं रिपेयर करवाकर आपको दिखाता हूँ कि ये वाली गाड़ी कैसी दिखती है। हो तो गाइस फाइनली ये देखो, हमने इस गाड़ी को पूरे अच्छे तरीके से रिपेयर करवाया है। ओ भाई यार क्या ही मस्त लग रही है, सेंटा क्लॉज ने क्या अच्छे तरीके से सजा रखा है इस वाली गाड़ी को। गाइस यार ये वाली गाड़ी तो एकदम ओपी लग रही है। एक मिनट गाइस, इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इसकी ड्राइविंग चेक करते हैं। अरे भाई यार क्या ही लग रही है। वैसे गाइस यार एक बात है, सेंटा क्लॉज इस गाड़ी को जिस भी बंदे को देगा ना, वो काफी ज्यादा लकी होगा, क्योंकि गाइस ये देखो उसकी गाड़ी को सेंटा क्लॉज ने अपने हाथों से सजाया है। और वो भी देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, ये वाली गाड़ी सच में भाई काफी अच्छी है। और यार ये तो मैंने अभी नोटिस किया, ये एक सुपर लग्जरी कार है, क्योंकि ये देखो इसमें सिर्फ दो ही डोर है और जो कि लग्जरी कार्स में ही आते हैं। भाई यार सच में ये कार तो काफी ज्यादा कॉस्टली भी है। तो चलो गाइस इस वाली गाड़ी को भी हम सेंटा को ले जाकर दे देते हैं और उसके बाद हम सेंटा के थर्ड गिफ्ट को ढूंढने के लिए चलते हैं।
So, भाई लोग अभी हम अपनी थर्ड वाली कार को ढूंढने के लिए यार शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और चारों तरफ सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। तो गाइस हमें एक काम करना होगा, उस वाली गाड़ी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा बर्फ में हम ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। अरे भाई ये क्या है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई यार पिकनिक हॉटस्पॉट है। तो एक काम करता हूँ भाई, यहाँ पर खाने का कुछ गर्मा गर्म मिल जाएगा, मैगी मिल जाए तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर अपनी बाइक को पार्क कर देते हैं। अरे भाई मैंने तो यार रास्ते में ही पार्क कर दी, थोड़ी आगे पार्क करनी होगी। एक मिनट गाइस, यहाँ पर पार्क कर देते हैं, एक तरफ हमने कोने में पार्क कर दी, वहां पर देखो शायद हॉट डॉग मिल जाएंगे। एक मिनट गाइस, यहाँ पर हॉट डॉग खा लेते हैं। तो भाई लोग यार अभी मैंने हॉट डॉग खाया है क्योंकि मैगी तो इनके पास थी नहीं। कोई बात नहीं यार, इतनी सर्दी में हॉट डॉग मिल गया वो भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। अरे एक मिनट गाइस, वो क्या है, पेड़ के ऊपर गाड़ी। एक मिनट गाइस, मुझे चेक करना होगा, मुझे यहाँ पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है। और यार ये देखो गाइस, एविल सेंटा ने एक सेंटा क्लॉज की गाड़ी को देखो कहां पर छुपा रखा है। और भाई यार उसने तो इस वाली गाड़ी को काफी अच्छे तरीके से डैमेज दे रखा है। तो एक काम करते हैं, अपनी उसी ग्रेविटी गन को निकालते हैं और इस गाड़ी को सबसे पहले तो नीचे उतार कर देखते हैं। हिल तो रही है लेकिन ये यार यहां से निकल नहीं रही है। एक मिनट, मुझे दूसरे एंगल से निकालना होगा। हाँ आई आई, नीचे आराम से रखते, बिल्कुल आराम से। मैं नहीं चाहता कि इसे और भी डैमेज हो, आराम से। ये देखो गाइस, हमने कितने अच्छे तरीके से इसे प्लेस कर दिया है। अरे भाई यार इसकी कंडीशन तो काफी ज्यादा खराब है यार, मुझे उस एविल सेंटा पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। तो यार एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर है ना टो ट्रक लेकर आते हैं और टो ट्रक की हेल्प से इसे हम ना रिपेयरिंग सेंटर में लेकर जाएंगे, जिसके बाद हम इस कार को रिपेयर करके सेंटा को वापस दे देंगे। तो ये देखो गाइस, हमने इस गाड़ी को टो कर लिया है और हमें इसे काफी अच्छे तरीके से और आराम आराम से लेकर जाना होगा, क्योंकि ये वाली कार पहले काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। ओ भाई यार ट्रेन आ रही है, एक मिनट यार थोड़ा वेट करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से लेकर जाना होगा। वैसे देखो यार इस वाली गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि इसके इंजन में भी कोई खराबी आए। अभी तक यार मैंने इंजन तो चेक किया था, इंजन तो ठीक है, बस इसका ऊपरी हिस्सा खराब है। तो हमें इसे रिपेयर करवाना होगा, जल्दी से लेकर चलते हैं और इस वाली गाड़ी को बिल्कुल बना देते हैं। तो ये देखो भाई लोग, अभी हमने इस गाड़ी को बिल्कुल चकाचक नया बना दिया है। और भाई ये देखो कितनी लग्जरी कार है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो सबसे ज्यादा महंगी होगी, वैसे दिखने में भी यार कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो चलो गाइज, इसकी हम सबसे पहले ड्राइव लेंगे और उसके बाद हम इसे सेंटा को देंगे, क्योंकि गाइज मैंने ऐसी गाड़ी आज से पहले कभी भी नहीं चलाई है। भाई यार क्या ही तगड़ी चल रही है, और ये तो बर्फ में फिसल भी नहीं रही है। ये देखो अभी हम इसको काफी तेज भगाते हैं, और भाई यार क्या ही कट मारते हैं ये वाली गाड़ी, और इसकी यार हैंडलिंग तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। अभी देखना, ये देखो भाई कितने आराम से, कितने स्मूथली हम किसी भी गाड़ी को पीछे छोड़ दे रहे हैं। अभी इसको भी पीछे छोड़ते हैं। ओ भाई यार क्या ही तगड़ी भागती है, और इसकी स्पीड मुझे लग रहा है कि अभी ये है ना 250 की स्पीड पे भाग रही है। यार हमें इस गाड़ी की फुल स्पीड भी चेक करनी थी, लेकिन ये गाड़ी हमारी नहीं है, सेंटा की है, इसलिए अभी हम इसकी स्पीड को नहीं चेक करेंगे। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं इस गाड़ी को ज्यादा तेज चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं पर यह ठुकेगी जरूर, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो चलो गाइस इसे भी सेंटा को वापस दे देते हैं और उसके बाद हम अपने अगले वाले मिशन पर चलते हैं। सो गाइज अभी हम अपनी फोर्थ वाली लोकेशन पर जा तो रहे हैं, लेकिन गाइज मुझे वहां पर जाने में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि वो एविल सेंटा का घर है और यार मुझे लग रहा है कि हमें एविल सेंटा के घर से कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। तो हमें यार काफी ज्यादा केयरफुली जाना होगा। और वो देखो यार अभी हम एविल सेंटा के घर पर भी पहुंच चुके हैं। भाई वो देखो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है वो। एक मिनट गाइज, यहाँ पर अपनी इस वाली यार छोटी सी बाइक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं और आराम आराम से चलते हैं, ताकि एविल सेंटा को हमारे आने की भनक भी ना लगे। वहां पर कोई ना कोई तो जरूर खड़ा है। अरे एक मिनट गाइज, वो पेड़ के अंदर क्या है? एक मिनट गाइज, मुझे लग रहा है कि इस पेड़ के अंदर भी उसने कुछ छुपा रखा है। भाई कितना शैतान है ये, इसने कहां कहां पर छुपा रखी है चीजें, भाई क्या है ये? एक मिनट गाइज, यार मैं अपनी ग्रेविटी गन निकालता हूं। एक मिनट, इसे नीचे उतारते हैं। भाई नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा। भाई ये तो काफी अच्छे तरीके से फंसा रखा है। अरे भाई ये देखो गाइज, ये तो यार स्पाइडरमैन का सूट है। अरे यार किसी बच्चे ने स्पाइडरमैन का सूट भी मांगा था सेंटा से। तो गाइज यार मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, अभी हमारे पास यार स्पाइडी का सूट तो है ही, तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले स्पाइडी के सूट को पहन लेते हैं और देखते हैं कि अरे भाई ये देखो इसके हाथों में तो यार वेब शूटर्स भी है। ये देखो यार, भाई यार आज तो मजे आ जाएंगे, आज मैं स्पाइडरमैन की लाइफ को जीने वाला हूं। तो चलो गाइज, 3 2
वन। सो गाइस यार ये देखो, अभी हमने स्पाइडी का ये वाला सूट तो पहन लिया है और भाई मुझे इस इलाके से दूर जाना होगा इससे पहले कि एविल सेंटा मुझे देख ले। गाइस यार आप वैसे बताओ कि ये वाला सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। गाइस अभी मैं इस वाले सूट की आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखो मेरे सामने ये गाड़ी जा रही है ना, अभी मैंने इसको लॉक किया और ये देखो इस गाड़ी के ऊपर। गाइस यार क्या ही कूल लग रहा है ये वाला। भाई देखो हमारा स्पाइडी कितना मस्त लग रहा है ना। वैसे गाइस यार सेंटा को मुझे ये वाला सूट देने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ये वाला सूट काफी ज्यादा पसंद आ गया है, लेकिन यार ये वाला सूट हमारा नहीं है तो इसे हम नहीं रख सकते हैं। तो यार मैं अगले क्रिसमस पर है ना सेंटा क्लॉज से यही वाला स्पाइडी वाला सूट मांगने वाला हूँ। और हाँ अगर आपने अभी तक भी नहीं बताया तो यार जल्दी से बताओ कि आपने इस वाले क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगा है। सो ऑलराइट गाइस अभी हम सेंटा के पास आ चुके हैं। ये देखो ये रहे हमारे सेंटा। और ये देखो हमने जो गाड़ियों को ढूंढा था ना वो सारी गाड़ियां यहां पर हैं, वो वाली रेड वाली और ये वाली और ये वाली गिफ्ट वाली कार और ये देखो स्पाइडी का सूट। हमने ये सारी चीजें सेंटा को वापस कर दी हैं और सेंटा यार हमसे काफी ज्यादा खुश है। और ये देखो सेंटा ने हमें क्या दिया है भाई, ये देखो ये सारी की सारी बकेट्स यार पैसों से भरी हुई है। ये देखो यार इनमें कितने सारे डॉलर्स हैं और ये जितनी भी बकेट्स है ना ये सारी की सारी हमारी है। और ये देखो ये जो थैले पड़े हैं ना इनमें सोने के सिक्के हैं। तो गाइस यार अभी हम इस वाले क्रिसमस पर कितने ज्यादा रिच हो चुके हैं आप देख ही सकते हो। और गाइस ये सब सेंटा की वजह से हुआ क्योंकि हमने सेंटा के लिए अच्छा काम किया ना, तो सेंटा ने हमें खुश होकर ये सारे गिफ्ट्स दिए। तो यार अगर आप भी अच्छी अच्छी चीजें करोगे तो सेंटा क्लॉज आपके लिए भी ऐसे ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हाँ अगर आपने अभी तक भी यार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।